यस आई, आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं, मुझे जानते हैं, पर आपको मेरे बारे में एक बात मालूम है कि नहीं, कि मैं बाबा की हीलर हूँ और बाबा की शक्ति से, उनके आशीर्वाद से मैंने बहुत सारे इस दुनिया में और हीलर्स बनाए हैं जिन्हें हम बाबा के हजारों हाथ बुलाते हैं। बाबा की शक्तिपात से हमारे अंदर उनकी एनर्जीज आती हैं। एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है जिसे हम अट्यूनमेंट कहते हैं। इतना खूबसूरत होता है, इतना खूबसूरत होता है कि इससे प्यारी चीज़ हमने शायद अपनी ज़िंदगी में पहले कभी एक्सपीरियंस ना करी हो। जब आपको बाबा अपने आसपास महसूस होते हैं, अपने भीतर जाते हुए महसूस होते हैं, उनका प्यार, उनकी खुशबू, उनकी गर्माहट, उस उन पलों में वो सब इतनी पावरफुल और इतनी स्ट्रांग होती है, इट्स अनबिलीवेबल, इट्स ब्यूटीफुल। और उस अट्यूनमेंट, उस इनिशिएशन के बाद हम हीलर्स बन जाते हैं। कौन होता है एक हीलर? आप शायद सोचते हो हीलर वो होता है जो दूसरों की हीलिंग करके उसका दर्द दूर करता है। बिल्कुल भी नहीं। बाबा का हीलर, बाबाज हीलर हार्मी जो हम अपने को बुलाते हैं, हम कौन हैं? हम वो हैं जो बड़े से बड़ी तकलीफ में भी खुश रह सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं। हम वो हैं जिसको किसी दर्द, किसी परेशानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे भीतर इतनी एनर्जी आ जाती है, बाबा की इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है। आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन टू यू इन वर्ड्स के क्या होता है हमारी लाइफ में। मैं अपने हीलर्स से अभी बात करके आ रही हूँ। आई वॉज इन अ मीटिंग विद देम, और हमारी हर मीटिंग में, हमारे हर मैसेज में, हर जगह पे एक बात तो कॉमन है जो हम सब बात करते हैं कि हीलर्स बनने के बाद हमारी लाइफ किस तरह बदली है, हम सोच भी नहीं सकते थे। मैं अपनी बात करूँ या मैं इन अपनों की बात करूँ जो हीलर्स हैं, एवरीथिंग चेंजेस, बिकॉज जब बाबा आपके भीतर आके एनर्जी बनकर इन दैट फॉर्म व्हेन ही फ्लोज थ्रू यू, जब आपको अपने इन हाथों में उनकी गर्माहट का एहसास होता है, जब आपको अपने भीतर उनकी ऐसे एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी, पैल्पिटेशन महसूस होती है, पता लगता है कि बाबा हमारे भीतर हैं, वो जो एक सेंसेशन और इमोशन है ना, उसको हम किसी शब्द में बोल ही नहीं सकते, बिकॉज दैट हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड। बाबा को देखना और बाबा को अपने अंदर महसूस करना, वो भी एक हीलर बन के, जब आपके चक्र, आपके ऑरा, हर चीज़ खोल दी गई है, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और होता क्या है उसके बाद कि हम सबकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है, इतनी पावरफुल हो जाती है, हेल्थ बेटर हो जाती है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, जॉब इश्यूज, कुछ भी, कुछ भी, क्योंकि हम बाबा के हीलर्स हैं। हमारे पास दुनिया से बहुत लोग आके हमसे हीलिंग मांगते हैं ठीक होने के लिए, और रोज़ हमारे पास हज़ारों हज़ारों मिरेकल्स, हज़ारों चमत्कार होते हैं जो हम रोज़ देखते हैं। डॉक्टर्स हैरान होते हैं, दुनिया हैरान होती है, ये कैसे हो सकता है, कैसे नहीं हो सकता, बाबा की शक्ति है, कैसे नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप किसी को हीलर, किसी और हीलर से हीलिंग मांगने की जगह खुद आपको हीलर बनना चाहिए। अगर हमने ये जन्म लिया है, इस दुनिया में आए हैं और बाबा ने हमें अपना बनाया है, तो इस जन्म को हमें ना पूरी तरह से, वी हैव टू एक्सपीरियंस बाबा इन एवरी विच वे, टू इट्स यू नो द होलसम वे, कम्प्लीटनेस। ऐसे बाबा को एहसास करना है, ऐसे महसूस करना है कि हर कोई, कोई ऐसा अंश ना रह जाए, ऐसी जगह ना रह जाए जहाँ हमने बाबा का एहसास ना लिया हो। और हीलर बनना इज़ अ ह्यूज स्टेप टूवर्ड्स दैट, बिकॉज उसके बाद जो होता है ज़िंदगी में, कष्ट होते हैं पर कष्ट नहीं होते, तकलीफ आती है पर तकलीफ होती नहीं। आप समझ रहे हैं? दर्द होगा, महसूस नहीं होगा, तकलीफ आएगी, एहसास नहीं होगा, पता ही नहीं लगता हमें कि कोई बहुत बुरे वक्त से गुजरेंगे, वो वक्त गुजर जाएगा, हमें कुछ नहीं होता। दैट इज़ द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ वी गेट एज बाबाज हीलर। और हम एक ऐसे ब्यूटीफुल साइबीसा परिवार का हिस्सा बनते हैं जिसमें हम एकजुट हैं। हमारा एक दूसरे के लिए प्यार, हमारी जो एकाग्रता, हमारा जो एक दूसरे के लिए दिल धड़कता है ना, वो देखने वाली चीज़ है। कोई थोड़ी सी भी तकलीफ में होगा ना, तो हज़ार हाथ खड़े हो जाएंगे उसकी मदद करने के लिए। ये है साइबीसा परिवार। मेरा सपना है कि हर घर में एक हीलर हो, ताकि कोई तकलीफ में रहे क्यों, जब आप अपनी तकलीफें खुद ठीक कर सकते हो, अपने परिवार की तकलीफें खुद ठीक कर सकते हो, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं। हम तो डॉक्टरों के पास भी नहीं जाते। ज़्यादातर सब हीलर जो हैं अपने आप को खुद ठीक कर लेते हैं, अपने घर वालों को ठीक कर लेते हैं। इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल, एंड यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। बाबा
कि बच्चे हैं आप, बाबा ने इस जन्म में आपको चुना है, तो ये एहसास तो लेना पड़ेगा. आई विल बी सो हैप्पी टू इनिशिएट यू. मेरा सौभाग्य होगा, मेरी खुशी होगी अगर और हीलर्स इस दुनिया में बने, हम अपने जीवन को पहले सशक्त करें और फिर हम दूसरों की मदद करें. दैट इज़ व्हाट बाबा डज. पहले वो हमें इतना ब्यूटीफुल, क्लेंस्ड, एम्पावर्ड, स्ट्रॉन्ग, वाइब्रेंट बना देते हैं कि उसके बाद हम सबकी मदद करते जाते हैं. करते जाओ, करते जाओ, हर एक का दुख दूर करते जाओ. जादू नहीं तो क्या है कि कोई तकलीफ में आए, आपने सिर्फ उस पर अपना हाथ प्यार से रखा और वो ठीक हो गया. इससे ज़्यादा सुंदर क्या बाबा का आशीर्वाद हो सकता है. सो आई वुड वॉन्ट एवरी वन टू बिकम अ हीलर. मेरे बस में हो तो मैं सबको हीलर बना दूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि उससे क्या होता है, वो एहसास क्या होता है, वो खुशी क्या होती है, हमारी लाइफ कैसे बदलती है, वो सिर्फ मैं बता सकती हूँ या वो हीलर्स जो हीलर बन चुके हैं. सो आई एम हैप्पी टू वेलकम यू इन टू दिस फैमिली ऑल्सो. मुझे बहुत 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 खुशी होगी आपका स्वागत करके और आपको हीलर बना के और अपनी ज़िंदगी का, अपनी इस जर्नी का हिस्सा बना के. आई लव ऑल ऑफ यू. आई सेंड लव एंड ब्लेसिंग्स एज ऑलवेज. बाबा आपके साथ रहें, आपको खुश रखें और उनका प्यार आशीर्वाद हमेशा हमेशा आपके सर पर रहे. या साई. साई राम.